हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्वाति लाइफ ऑफिशियल्स। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? मैं हूँ बहुत अच्छी और उम्मीद है कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे और मेरे ब्लॉग्स को देख के बहुत इंजॉय कर भी रहे होंगे। तो गाइस, ऐसा है कि ना, मैं जाऊँगी आज यूनिवर्सिटी, क्योंकि सैटरडे को तो शायद मैं गई थी। हाँ, सैटरडे को तो मैं गई थी, संडे तो ऑफ होता ही है। तो बीच में ऐसा लग रहा है कि ना, कुछ विशाल जाते हैं ऐसा, बहुत लंबे टाइम तक रह के गए हैं, तो ऐसा ही हो जाता है। और फिर अब मैं बस तुलसी को दे दूँ पानी, क्योंकि कल संडे था, कल पूरा दिन मैं उसको पानी नहीं दे पाई, पर भगवान जी की कृपा अच्छी थी, कल हो गई बारिश। तो अब मैं इसको थोड़ा सा पानी दे दूँगी और फिर चलते हैं यूनिवर्सिटी, क्योंकि 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 कुछ नहीं, क्योंकि जाना ही होता है, क्योंकि मैं कॉलेज में जाना ही होता है ना। तो बस इतना ही गाइस, अब मैं डायरेक्ट आप लोगों को यूनिवर्सिटी जाकर ही मिलूंगी। पर इससे पहले मैं आप लोगों को हमारे प्यारे प्यारे फ्लावर्स दिखा देती हूँ, जो कि रोज़ सुबह मुझे बहुत खुशी देते होते हैं। दिखाती हूँ मैं भी आपको, ये देख लो गाइस, मतलब ना ये धूप में इतने प्यारे खिल जाते हैं ना, सीरियसली। ये वाइट, ये पिंक 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 और ये ऑरेंज कलर के, और इसमें भी कुछ उग जाते हैं। तो गाइज, ये है हमारा पूरा बाग। लगा ये फ्लावर्स, यार आप लोग भी लगाओ, जिसके घर में फूल नहीं है ना, वो लगाओ, काफ़ी खुशी मिलती है। मैं सुबह उठते के साथ इधर ही आती होती हूँ और इनको देखती हूँ, और 2 मिनट बैठती हूँ, कई बार इनके अंदर पानी भी दे देती हूँ, कोई एक्स्ट्रा पानी भी जाता है, फिर मम्मी कहेगी ज़्यादा पानी ना दिया कर इनमें, फिर ये खिलते हैं ना, मुझे जाता है इन्होंने खुशी दी है ना मुझको, तो मैं भी इनको दे दूँ। तो बस अभी के लिए इतना ही, कई आप लोगों से बात करती रहूँगी तो मेरी बस निकल जाएगी, तो मैं चलती हूँ। ओके, 3-4 दिन से ना मैंने ये रिंग निकाल रखी थी, और ये रिंग के बारे में मैंने गाइस काफ़ी लोग मुझसे पूछ चुके हैं कहाँ से ली कहाँ से ली। मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि ये मैंने मेरी शादी के टाइम ली थी, जगन्नाथ सराफ के, जो कि भिवानी में ही है, जगन्नाथ ही है ना वो, हाँ जगन्नाथ वाले के ली थी। वो बोलता मैडम नया डिज़ाइन आया है ये, वो उसके पास लेटेस्ट लेटेस्ट डिज़ाइन मिल जाएंगे आप लोगों को। फिर मैं सोच रही थी एक और ऐसी कुछ ले के आऊँ, पर फिर मैं को गोल्ड की दिला दी थी यहाँ पे, फिर मुझे लगा कि अब रुक जाती हूँ रिंग के लिए। तो ठीक है गाइस, अब मैंने ये पहननी है ना, तो मुझे याद आएगी, बता देती हूँ कि मैंने ये जगन्नाथ सराफ वाले के लिए। तो ठीक है, अब फाइनली निकलती हूँ मैं। 3 दिन से ना हमारे पानी नहीं आ रहा, और आज मैं आई हूँ ना तो अचानक पानी आ गया। पापा कहते बेटा पानी आ गया, मैं कहा पापा मैं तो आधे रास्ते ज़्यादा आ ली हूँ, मम्मी और आप भर लो। और विशाल जी भी गए आज सुबह, यार वो मेरे साथ बहुत फद्दू बनाने लग गया। अब सुबह ना मुझसे 4 बजे खाना बनवा लेते हैं और जाते 7 बजे, और मेरी बस भी आ गई गई सब, मैं भागती हूँ। आ गई यूनिवर्सिटी और मनीषा मुझे मिल चुकी है, और आते साथ कह दें चल लेक्चर है 124 रूम नंबर में। मैं 3rd फ्लोर तक आई, बट शुक्र मनाओ मैं लिफ्ट में आई। अगर मैं आई थी सीढ़ियों से तो इसको बताती कि पहले ही आराम जाती, फोन नहीं कर सकती मुझको। और मीनाक्षी अभी ऑन द वे है। लगातार 3 घंटे की क्लास लगी, और मेरे फेस से देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही थी, और ये सर गाइस जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज ही सारा सिलेबस करवाने की मन में ठान रखी थी, और मुझे आ रही थी बहुत ज़ोर की नींद। मेरी क्लास हो चुकी है ख़त्म, और बहुत ही बोरिंग क्लास थी सीरियसली। आज सर ने शायद पहली बार इतनी लंबी क्लास ली है ना, और नींद आने लगी सबको, और सर की क्लास लेते के साथ देखो क्लास हो गई खाली एकदम, और मीनाक्षी टंकड़ी हाय हाय माचड़ी। गाइस आज मौसम है काफ़ी अच्छा, और सब लोग यूनिवर्सिटी के बाहर बैठे हैं। आप लोगों को दिखाऊंगी यूनिवर्सिटी का व्यू बाहर वाला, और मुझे मेरे ब्रो ने दिया ये पल्स ने दिया कि बहन तू एंजॉय कर टॉफी। और अब हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि हमारा अब काफ़ी देर तक कोई लेक्चर नहीं है। ये देखो हेयर स्टाइलर डेरे पड़ रहे हैं मीनाक्षी तरह सिर में। 4,500 लोगों की फैमिली है मेरी, उनके आगे मैं ये ऐलान कर रही हूँ कि मीनाक्षी के सिर में डेरे हैं। तभी तो यार ये बार बार अपने बालों को खुजली बंद कर रही, ताकि खुजली कर रही है ये। सारे बच्चे बाहर आज इधर से गवारी मौसम बस क्यों आ गई
गाइस ये देख लो, मैंने बोला ना कि सारी यूनिवर्सिटी बाहर बैठी, सच में बाहर ही बैठे हैं सारे के सारे। गाइस मीनाक्षी आगे चाय पिलाई है आज मीनाक्षी हमें, और ये देखो सब लोग उधर जा रहे हैं, उधर ऐसा लग रहा है मेला हो रहा है उधर, देखो उधर देश तैयारी चलेगी, लोग उधर जा रहे हैं, कहती यार उधर चले तो उधर जाने से उड़ जाएगी बतख। ये देख लो गैंग बन बन के जा रही है वहाँ पे। अब हम भी वहाँ पे पहुंच जाए तो देखो कौन सा मेला है, सोमवार मेला। ये देख लो दिख रहे होंगे लोग आप लोगों को, ये देखो क्या लगे हुए हैं यार, यूं लग रहे लड्डू पड़े हैं जैसे, मौसमी नहीं है ये, पता नहीं क्या हो रहे हैं। ये देख लो पूरे वहां तक आगे भी है बहुत सारे। ए मीनाक्षी कर ले जा तुम्हारे गाइस, एक तोड़ के मीनाक्षी के मार के देखूं इससे क्या क्या करना पड़ता है मुझे मीनाक्षी के लिए। टूट गया मीनाक्षी, ये यार तेरे सूट से मैच कर रहा था मैं, ले आई तेरे लिए। यार सीरियसली देख तो सच में देख, एक बारी कैच कर लिया सारी ने। ए नहीं 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 वो देखो इतना बड़ा सारा, ओ क्या ही है गाइस, वॉलीबॉल है यहाँ तो, बमबारी की बम से बच के और हार मान ली ना। देखो ना मीनाक्षी ने क्या भूंडी चिपका दी, चुभ रहे हैं मेरे तो ये। ओए मीनाक्षी इधर तार दे, ये क्या है ये तेजस्वी शक्ल के देखना कही थी, ये छोटे छोटे से हैं ये। ओ माय गॉड ये तो बहुत बड़ा सा था, और एक ये दो रह गए बस। ओ यार सीरियसली जो बा है, ट्रेन आ रही है, आई रुक जा यहाँ बैठ। ओए देखो रे भगवान बैठ के तारे हैं मैंने ये, और हम लोग ना गाइस घूमते घूमते आज मौसम का मजा लेते लेते यूनिवर्सिटी के ऐसे एरिया में आ गए जो आप लोगों को अभी दिखा हुआ, ये स्टेशन के बिल्कुल पास आ गए हम लोग। और ना धीरे धीरे जब यूनिवर्सिटी बन जाएगा ना तो हमारी यूनिवर्सिटी का एक पर्सनल स्टेशन होगा। और इधर देखो ये पटरियाँ दिखाई दे रही होंगी आपको, सच में यार मेरी बातों को मजाक में लेते रहेंगे, पर्सनल होगा होगा ना ब्रो, कह रहे तो चुप रह बोंडी। ये देखो इसने मेरे को कंडा चुभाए थे और मैंने देखो इसका अंदर बंद कर दिया, बोला आज के बाद कुछ नहीं उल्टा सल्टा नहीं करूंगी, बोल कह दे सॉरी बोल कर हर चीज के लिए सॉरी, क्या अब चाय पिलाऊंगी खुद के पैसों की। ओ बेटे चल खोल ले, हाँ साफ हाँ तेंदुआ पाएगा इसमें, बकवास कर रही को तैसा इसके भी बढ़िया ना। ओ ओ ओ रुक एक रह गया, ये मेरे बड़े थे ये, रुक अब भी एक रह गया यार, तो भाग ले बस बच गया। ये बहुत गंदी चीज है गाइस, जिसके लग गई ना उसको पाड़ के ले जाएगी। देखो मकोड़ों के साथ साथ हम लोग भी जा रहे हैं ढाबे पे, ये तो खा पी के शायद आने लग रहे हैं जाने लग रहे हैं, और इधर आगे हम लोग ढाबे पे देखते हैं क्या बच्चा होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ हो रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के सब बच्चे यहाँ पे आते, देखो जैसे वो आने लग रहे धीरे धीरे ऐसे गैंग बन के आता होता है, तो फटाक से देखते हैं क्या खाने को मिलेगा यहाँ पे। तो हम ढाबे पे आए और हमें इतना सा पानी ही मिला है क्योंकि ढाबे पे सब बच्चे खा के चले गए हैं और कुछ भी नहीं बचा, देख लो चिप्स का पैकेट भी नहीं है, इसलिए ही आई है तो वाह लड़ लड़ा के दिखाई हो सही वाली मजा होगी। फाइनली बहुत ज्यादा चक्कर काट के हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में फिर से, और अब बैग उठाएंगे और करेंगे बस का इंतजार। जोश में बोल यार और तेज टाटा, ये टाटा बोल तो नहीं है मारुति वाला टाटा
टाटा 400। इस घर तो मैं आ चुकी थी और फिर थोड़ी देर लेट ही फिर पापा के लिए मम्मी के लिए बना दी चाय और फिर मैंने खाया एक एप्पल, क्योंकि जब विशाल ले जाते हो ना तो मेरे लिए ना खाने पीने का सामान रख के जाते हैं ताकि मेरा एक हफ्ता आराम चल जाए, क्योंकि फिर मम्मी सोचती है कौन लाया आसपास नहीं है ना, तो अब की बार एप्पल रखे गए हैं फ्रूट। और ना गाइस देखो मैंने ना सब कुछ बिखेर रखा है क्योंकि मेरा एक प्लाजो नहीं मिल रहा और मेरा नया सूट है, मैंने वो एक बार भी नहीं पहना है और मुझे ब्लैक कलर काफ़ी पसंद है, मैंने एक ही तो वो ब्लैक कलर मैं दो हो गए ब्लैक बैक ब्लैक कलर के सूट तो मेरे पास दो हो गए, पर ना वो कॉटन का था और ना मतलब अच्छा था, गंगा का था गाइस, महंगा था और ना वो मिल भी नहीं रहा। और विशाल जी कपड़ों में भी देख लिया मैंने तो, और मैं कोशिश कर रही हूँ सुबह भी ना उसी में मेरा आधा घंटा चला गया, मुझे लगा मिल जाएगा, अच्छे से प्रेस करवा के रख रखा है मैंने। मम्मी गई हैं दूध लाने के लिए, 5 बज गई हैं क्योंकि अभी अभी गई है, मैंने प्रेस करवा के रख रखा था और अब पता नहीं कहाँ ही गया, और ज़्यादा कुछ खास बड़ी मेरी अलमारी भी नहीं है और बड़ा रिस्की होगा ढूँढना इसी में ही, पता नहीं कहाँ गया और पर मैं ढूँढ के रहूँगी। अब मैं मेरे को अब कोई काम नहीं है, पहले मैं ढूंढूंगी फिर कोई और काम करेंगे, नहीं फिर मैं टेंशन हो जाएगी गया कहाँ है ना, सबके ही होती होती है किसी का कुछ सामान गुम हो जाए ना तो। और ये मेरे नए सूटों की चुन्नी ये तो नहीं कब सील के आएंगे, मैंने ना गई सभी ना 1 2 3 4 और नए सूट सिलवाने दे रखे हैं, वो जो 5 नए सूट सिलवाने दे रखे हैं, आएंगे जब दिखा दूंगी, और अभी तो पुराने ही नहीं मिल रहे हैं, प्लाजो हो गया यार मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है सीरियसली। देख लो अब तो मैंने ना काफ़ी सारे कपड़े रख भी दिए, मिल ही नहीं रहा, और मैंने ना अभी बैठ के मम्मी से बात की है भिवानी वाली मम्मी से कि मम्मी मेरा प्लाजो वहीं पे रह गया, कि मम्मी बोली कि नहीं तो मैंने जो डाला था मुझे तो अच्छे से याद है, और अब मुझे लग रहा है कि ना वो बस अलमारी का कोना कोना छान मारा है यार, कुर्सी लगा के ऊपर चढ़ी हूँ मैं, मिल ही नहीं रहा, और अलमारी देखते देखते थोड़ी बहुत अलमारी सेट भी कर दी मैंने, पर यार खुशी नहीं मिली, वो मतलब प्लाजो मिल जाता था ना मैं अच्छे से अलमारी सेट कर दी। अब मैं सोच रही हूँ कि कपड़े रह दूँ, मम्मी दूध लेके आएंगे ना मम्मी को बोलूँगी फिर मम्मी भी देख लेंगी, और फिर उसके बाद पहले आते था तो बैग चेक कराऊँगी, क्या पता उस बैग में भी हो सकता है साइड वाली चैन में डाला हो, तो अब मैं इसको तो यहीं पर ही अलमारी बंद कर देती हूँ चूहा ना घुस जाए, और फिर उसको बाद में सेट करूँगी। और विशाल जी की भी थोड़ी अलमारी मैंने देखो सेट करी है ना, तो अब पहले मैं रसोई में जाती हूँ, मेरी सासू मोम को आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि गाइस मम्मी को चाहिए करेक्ट 6 बजे खाना, बोल के तो ऐसे की थी, और 6 बजे कभी आती नहीं है दूध लेके, हमेशा मतलब जो खाना बन जाएगा ना तब आती होती है, तो पर कोई नहीं क्योंकि ना मम्मी सुबह सच में यार सीरियसली रोज आज तक देख लो सुबह मैंने कभी रोटी नहीं बनाई ना कभी सब्जी बनाई, मम्मी बनाती होती है, तो शाम का तो मुझे कर ही लेना चाहिए, तो अब मैं पहले इसको तो यहीं पे ऐसे रखती हूँ कि रात को कर लूँगी मैं, और अब पहले खाना बनाते होते हैं। देखो ऐसा है कि ना काम घर का सारा हो चुका है, पर ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि गाइस मेरा प्लाजो नहीं मिल रहा, और मेरी मम्मी ने ना नानी को बताया अभी अभी कि इसका प्लाजो हो गया, मन नींद आ है या है वह है अभी देखना, मन नहीं ले रहा या गाना इसका पति देव गाना और यह गाना आप ही तो है ना इस फैसला में पर गाइस देखो मेरी मम्मी ने प्लाजो की खबर फैला दी है, नानी को भी बता दिया, मेरी मामी को भी बता दी, ओ लाइट चलेगी मारी या क्या कर ईव तेरा सूट ले जाएंगे नुकुल नहीं लाइट गाइस मेरी मम्मी को ऐसा हो रहा कोई ले गया तेरा सूट कोई ले गया, अरे लाइट चलेगी ना, तो मैंने कह दिया मम्मी तेरे ला ले जाऊंगे, तो ठीक है गाइस वो मिल जाएगा, पता नहीं कहाँ गया, आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि मेरा वो सूट कहाँ गया सूट क्या प्लाजो सच में गुम हो गया कसम से, मिल ही नहीं रहा सवेरे भी मैंने आधा घंटा ढूंढा, मुझे लगा मिल जाएगा, शाम को मैंने पूरी अलमारी निकाल के फिर रखी, मम्मी फिर आई और फिर उसके बाद भी नहीं मिला, तो ठीक है गाइस अगले व्लॉग में बता दूंगी आप लोगों को, जब भी मिलेगा तब बता दूंगी प्लाजो मिला क्या नहीं,
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो बाय बाय गाइज़।